प्रिंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में, वजह है पप्पू यादव को मिली धमकी। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देखो। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने ही इस ऑडियो को जारी किया है। इस वीडियो और ऑडियो क्लिप में सांसद को लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सांसद को अपना काम करने और अपने काम से मतलब रखने की बात कही जा रही है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि आपको हम लोगों ने बड़ा भाई माना है, बड़ा भाई बन के रहो तो अच्छा रहेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल अज्जू लॉरेंस की तरफ से आया है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताता है। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की धमकी दी है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वो एक बिजनेस अकाउंट है। आपको वो धमकी वाला ऑडियो सुनाते हैं जिसे पप्पू यादव ने रिकॉर्ड किया है। ऊपर वाला देखिए एक बार, जानिए पप्पू दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने, मेरे हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, इन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके, पूरी किसी और से। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पिए हूँ साहब का, पिए हैं साहब का जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के, बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम, किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पप्पू यादव हाल ही में मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशांत सिद्दीकी से मिले थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बाबा और उनके परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा था कि हत्यारों और साजिशकर्ताओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब उनको लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने की अपील की है। वाई श्रेणी से बढ़कर जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।